नमस्ते, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू का पराठा। चलिए शुरू करते हैं। सामग्री: गेहूं का आटा, 5 से 6 उबले आलू, 1 मीडियम प्याज, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल, नमक स्वाद अनुसार। उबले आलू लें, आलू को छील लें और इन्हें अच्छे से मैश कर लें। एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लें और इसे गर्म करें। 1 कटा हुआ प्याज और सूखी लाल मिर्च लें। कढ़ाई में लाल मिर्च डालें, कुछ सेकंड के लिए भूनें। मिर्च को कढ़ाई से निकाल लीजिए। कढ़ाई में कटा हुआ प्याज डालें, धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट तक भूनें। 2.5 चम्मच नमक और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें, अच्छी तरह से मिलाएं। अब कढ़ाई में मैश किए हुए आलू डालें, अच्छी तरह से मिलाएं। तली हुई लाल मिर्च को कढ़ाई में क्रश कर लें। अब आलू को मैशर से मैश कर लें। अब हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। एक बोल में निकाल कर अलग रख लीजिए। 1 मुट्ठी आटे की लोई लें। आटे को डस्ट कर लें और लोई को बेल लें। बेल कर छोटी चपाती बना लें। आलू की स्टफिंग डालिए और एक स्टफ्ड बॉल बना लें। इसे गोल करके बेल लें। इसे गरम तवे पर डालें। 1 मिनट के बाद इसे पलट दें। इसे फिर से पलटें और देसी घी डालें। दोनों तरफ से बराबर से पकाएं। इसे और क्रिस्पी बनाने के लिए धीमी आंच पर पकाएं। पराठा तैयार है। मक्खन, अचार और दही के साथ परोसें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, लाइक और कमेंट करें।